इतिहास को उजागर करिसेंति सरकार अनालोचित वीर संग्रामी गाथा सामना को आने सहित देशवासी मनरे देशप्रेम भावना जाग्रत करने को सरकार प्रयास जारी रखि संसद में प्रतिक्रिया रखिंट केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान इतिहास पुनर्लेखन करवा आमर उद्देश्य नुहे किंतु देशर संस्कृति सभ्यता एवं अस्मिता को उजागर करिथिबा पूर्वजंक इतिहास को लेखिबा चेष्टा करछु बोली कहितले केन्द्रमंत्री। भारत में इतिहास की मैं अगर आपके सामने अध्यक्ष जी आपकी संरक्षण भी चाहिए दो तीन उदाहरण बताऊंगा। अभी अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपके गृह राज्य और गुजरात की सीमा में मानगढ़ धाम गए थे जहां 1913 बहुत पुरानी नहीं 1913 में एक ऐतिहासिक चीज हुई थी देश की आजादी के लिए। गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में 1500 लोगों की शहादत हुई थी। इन्हीं दिनों में हमारी सरकार ने दो बहुत बड़े क्रांतिकारियों को की सम्मान में वीर बाल दिवस मनाया। साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह 7 साल और 9 साल की आयु में इनकी शहादत हुई थी। संस्कृति मंत्री दक्षिण से आते हैं, आंध्र से आते हैं, तेलुगु भाषा भाषी है। क्या यह देश आलूरी सीताराम राजू जैसे एक आदिवासी समाज की जननेता के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है? है। क्या माननीय अध्यक्ष जी बख्शी जगबंधु विद्याधर महापात्र जिन्होंने 1817 में उड़ीसा में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था, उधर की लोग महामहिम आज नहीं रहे, आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी उसकी 2 शतवार्षिक उद्घाटन के अवसर पर कहे यही सही देश की आजादी का पहला ही लड़ाई है। यह सारा विषय आज के इतिहास के हिस्सा अध्यक्ष जी नहीं है। केवल इतना ही नहीं, देश की गुलामी कब से हुई आखिर? पिछले 1100-1200 साल से इस देश विभिन्न कालखंड में पराधीनता की ओर गुजरा है। उस समय पे देश को अगर हम समीक्षा करें